निकले। कहा था इमरान खान को ना छेड़ना सर, सर आपको कहा था इमरान खान को ना छेड़ना, कहा था इमरान खान को ना छेड़ना, कहा था इमरान खान को ना छेड़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बख़ैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अब से कुछ देर पहले तक इमरान खान को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, इमरान खान की गिरफ्तारी के मनाजिर अब तक के सबसे अफसोसनाक मनाजिर थे, लेकिन अब जो वीडियोज आ रही हैं ये किस हाल में मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को पहुंचा दिया है, ये किस दौराहे पर मेरे मुल्क के आवाम और मेरी मुल्क की फौज को लाकर खड़ा कर दिया है। ये वो फौज है जो आपकी और मेरी खातिर अपनी जानें देती है। GHQ तक की वीडियोस भी आ रही हैं और हसास मकामात पर धरने जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। कानून बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी, मैं बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से हाथ जोड़ के ये दरख्वास्त कर रहा हूं। मैंने अभी तफसीलात रखनी है कहां पर क्या हो रहा है, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद चंद घंटों में क्या कुछ होता रहा, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार पांच मुख्तलिफ महाजों पर जो इस वक्त कार्रवाई चल रही है उस पर भी आते हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है ये बहुत ज्यादा तश्वीशनाक है, बहुत ज्यादा अलार्मिंग है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए, ये क्या फैसला साजों को ये फैसला लेते हुए इस सारे मामले का नहीं पता था अवाम की नब्ज क्या है, ये नहीं पता था कि अवाम की इस वक्त पल्स क्या है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस वक्त अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, ये विजुअल्स बहुत अफसोसनाक हैं, मतलब इनके ऊपर रोना आ रहा है कि इस वक्त मेरा मुल्क जो है उसके गली कूचों में, मेरे मुल्क के चौक चौराहों में क्या हो रहा है। और मेरे पास और भी 8-10 वीडियोस हैं और इस सब के अंदर मैं ये समझता हूं कि अब PTI की लीडरशिप जो है उसे किस तरह से, जो खान साहब के बाद लीडरशिप है उसे भी सामने आना होगा। इस वक्त खान साहब कहां पर हैं, क्या मुकदमा है, क्या डेवलपमेंट्स हैं, सबसे पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त नाज़रीन कराम, मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद यह सामने आ गया कि जी नैब रावलपिंडी जो है उसने गिरफ्तार किया है और कौमी एहतसाब ब्यूरो जो है उसने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के ऊपर बयान भी जारी कर दिया। नैब की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी 1 मई को जारी हुए और उन्हें अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया। नैब का कहना है कि रेंजर्स ने इमरान खान को हिरासत में नहीं लिया, इस्लामाबाद में दफा 144 पहले से ही नाफिज थी, वजारत दाखिला के हुक्म पर रेंजर्स वहां कानून की अमलदारी के लिए मौजूद थे। नैब ने मजीद कहा कि गिरफ्तारी का हुक्म नैब की जानिब से था और इस पर अमल दरामद भी नैब ने ही किया है। नैब आलामिये में कहा गया है कि इमरान खान पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस में मुलव्वस होने का इल्जाम है। ज़राए के मुताबिक नैब ने इमरान खान को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 9A के तहत गिरफ्तार किया है। अब ये जो चीज है नाज़रीन कराम, ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग है और ये इस वक्त बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कि तश्वीशनाक सूरत हाल है जो इस वक्त पैदा हो चुकी है। और अब जो इसका रिएक्शन है, अवाम जिस तरह से पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान की अवाम सड़कों पर निकली है, आप इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों के अंदर, लाहौर में कैंट तक लोग पहुंच रहे हैं, लाहौर में इससे पहले आपको पता है पिशावर के अंदर, मर्दान के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, इवन साउथ पंजाब में मुल्तान के अंदर से रिपोर्ट्स आ रही हैं। और अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसने भी ये वीडियो शेयर किए हैं कि लोग लाहौर के अंदर कंटोनमेंट में घुस गए हैं, GHQ तक का रुख कर लिया हुआ है लोगों ने। और GHQ से जो वीडियो आई है कि उसका जो गेट है, वो वीडियो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग भी है। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त अच्छा और भी कुछ अपडेट्स आप ले लें, और भी कुछ डेवलपमेंट्स में आपके सामने रख देता हूं। इस वक्त नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब का इन्होंने मेडिकल कराने के लिए एक बोर्ड तश्कील दिया, फिर दूसरा बोर्ड तश्कील दिया गया, इमरान खान साहब ने ब्लड सैंपल्स जो हैं वो देने से इनकार भी कर दिया। अच्छा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साथ आज जो हुआ है ना, ये मैं समझता हूं इमरान खान से भी बुरा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साथ हुआ। और चीफ जस्टिस साहब जो है, अब पता नहीं वो किसके ऊपर इतना तलब कर रहे हैं जी, वो IG पुलिस को भाई बुलाएं, उसे जिसने गिरफ्तार किया बुलाएं चीफ जस्टिस साहब। और आज चीफ जस्टिस साहब ने जब अदालत में नोटिस लिया इमरान खान की गिरफ्तारी का और उस पर कैका लगाया, तो वकील ने कहा कि सर आज आपका गुस्सा करने का दिन है, सर आज आप गुस्सा करें। और अब जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की कार्रवाई है वो भी मुलायजा फरमा लें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी का नोटिस ले लिया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत हुई और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि किस केस में गिरफ्तारी अमल में
चलाई गई कार्रवाई करना पड़ी तो वजीर आजम और वुजरा के खिलाफ भी होगी। आईजी इस्लामाबाद ने नैब के वारंट की कॉपी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश की। वैसे सवाल यह नहीं बनता था कि क्या गिरफ्तारी होगी और किस केस में गिरफ्तारी हुई, पूछें कि कहां से और क्यों इस्लामाबाद हाईकोर्ट के शीशे तोड़े गए, दरवाजे तोड़े गए और गिरफ्तारी हुई। बैरिस्टर अली गौर ने बताया कि इमरान खान के सर पर रॉड मारा और जख्मी टांग पर भी मारा गया। अब ये एनी शाहिद के तौर पर कह रहे हैं कि मैं ये बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तैयार हूं। वकील ख्वाजा आरिफ ने बताया कि नैब ने कितने नोटिस दिए और इमरान खान नहीं आए। नैब किस केस का अखबार से पता चला कि इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया। इमरान खान की जमानत की दरखास्त तैयार कर ली थी। इमरान खान के वकील ने कहा कि इमरान खान को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जाए। और इमरान खान के वकील जो है ख्वाजा आरिफ, उन्होंने कहा 45 साल से वकालत कर रहा हूं, आपने कहा था कि लेके आए और मैंने कहा था कि यहां से कोई नहीं गिरफ्तार कर सकता क्योंकि अदालत का एक एहतराम होता है। आज उस एहतराम की भी धज्जियां जो हैं वो उड़ा दी गई हैं। अच्छा, इस सब के अंदर इमरान खान के वारंट जो है वो 1 मई को चेयरमैन नैब के दस्तखत से जारी हुए, लेकिन जिस तरह से पंजाब में चौधरी परवेज इलाही साहब के घर पर कार्रवाई हुई और आपको पता चला कि आपका आईजी, आपका सीसीपीओ और आपका निगरान वजीर आला उमरे पे हैं, तो इस वक्त जो चेयरमैन नैब हैं जो कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, वो भी इतलात ये आ रही है कि उमरे पर रवाना हो चुके हैं। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंसों का इस वक्त मीना बाजार लगा दिया गया है। राणा सनाउल्ला अपनी तरफ से नेशनल टेलीविजन पर बैठकर नंगी गालियां निकाल रहे हैं। इमरान खान को गुस्सा इस कदर है और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि जी इमरान खान पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया, अगर वो शामिल तफ्तीश हो जाते तो रेफरेंस बगैर गिरफ्तारी के चलाया जा सकता था। और उन्होंने इमरान खान के हवाले से कहा कि यह बाकायदा डॉक्यूमेंटेड केस है और यह सारी चीजें, यह भी डिफेंड करने पर आ गए। फिर अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीजें। अब जरा आ जाते हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि पूरी दुनिया के अंदर इनके साथ क्या हुआ है और पूरी दुनिया के अंदर जो इनका भुरकस निकाला गया है, जो इस वक्त पाकिस्तान की इमेज को इन्होंने तहोबाला कर दिया है, आप उसका भी अंदाजा नहीं कर सकते। ये टॉप स्टोरीज हैं पूरी दुनिया से, अराउंड द वर्ल्ड। आप ये देखें, अल जजीरा कह रहा है इमरान खान अरेस्टेड, लाइव न्यूज, एक्स पाकिस्तानी पीएम टेकन इनटू कस्टडी। इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है इमरान खान अरेस्ट, लाइव अपडेट्स। बीबीसी न्यूज कह रहा है इमरान खान एक्स पीएम अरेस्टेड आउटसाइड द कोर्ट। अच्छा जी, ये आप अपने सीएनएन का देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर, सीएनएन इसे रिपोर्ट कर रहा है इमरान खान को धक्के लगने की, एक जख्मी शख्स की। वॉशिंगटन पोस्ट जो है, पाकिस्तान अरेस्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ये सारी रिपोर्ट हो रही है। अच्छा जी, इसके साथ ही साथ अल जजीरा जो है उसकी आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। मामला यहां तक नहीं रुक रहा नाज़रीन इकराम, रॉयटर्स है, भरा पड़ा है आपका जो पूरे का पूरा इंटरनेशनल मीडिया है। आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि सूरत हाल क्या है, जर्मन अंबेसडर क्या, पूरी दुनिया के सफीर जो हैं वो इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसके ऊपर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। आपके मुल्क में बैठे सिफारतकार कह रहे हैं कि ये आपके मुल्क में क्या हो रहा है। इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो अनफॉर्चुनेटली जाम हो चुका है और इस वक्त पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, जिनके साथ हमारे दिलों की धड़कन है, मैं समझता हूं कि इस वक्त इन्होंने जो कुछ हो रहा है, कानून हाथ में ना लिया जाए। इमरान खान ने खुद क्यों गिरफ्तारी दी, इमरान खान ने आज क्यों यह सुबह जमान पार्क से निकलते हुए बात कही कि भाई मैं खुद गिरफ्तारी दूंगा, मैं कोई ये चीजें। अब कराची शारे फैसल देख लें, पीटीआई मुजाहिरीन ने पुलिस वैन को आग लगा दी। फैसलाबाद में जो पीटीआई के कारकुन है, उन्होंने राणा सनाउल्ला के घर के बाहर पथराव किया है। 4 अफराद जो हैं राणा सनाउल्ला के घर के बाहर, उन्हें इस सब के अंदर जख्मी होने की उनकी इतलात है। अच्छा, इसके साथ ही साथ हर छोटे बड़े शहर के अंदर नाज़रीन कराम जो सूरत हाल है वो इतनी अजीब है कि आप लिटरली अंदाजा नहीं कर सकते कि इस वक्त ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है। मैं सरगोधा अपने शहर के विजुअल्स देख रहा था, सरगोधा के अंदर वो मुख्तलिफ चौक जो है बेस के और दीगर चीजें, उन्हें तोड़ा जा रहा है। उधर इवन जो अफसरान की तस्वीर, उनके ऊपर पथराव, मतलब ये चीजें हार्ट ब्रेकिंग है। और मैं समझता हूं कि ये जो एक एज अ पाकिस्तानी सिटीजन हु लव्स हिज मिलिट्री, हु लव्स हिज इंस्टीट्यूशंस, मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है कि इस वक्त मेरे मुल्क को किस नहज पे लाके खड़ा किया, किसने किया, कौन इसका जवाब देगा, कौन ये बताएगा कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। इस वक्त जो कोर कमांडर हाउस की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, ये सब कुछ क्यों हो रहा है और इसका क्या किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि आप इस तरह से अरेस्ट करेंगे। मैं बिल्कुल समझता हूं कि कानून की हुक्मरानी हमारे मुल्क के अंदर होनी चाहिए, कानून के मुताबिक जो चीजें हैं वो हमारी कंट्री के अंदर चलनी चाहिए। बल्कि मैं आपको एक और विजुअल दिखाता हूं जो कि बहुत ज्यादा अलार्मिंग विजुअल है। ये जरा आप अपना विजुअल अपनी स्क्रीन पे देखें। ये आप विजुअल्स देखें जी, ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं नाज़रीन इकराम। ये कोई ये विजुअल्स आम विजुअल्स नहीं है, ये बहुत ज्यादा तश्वीशनाक विजुअल्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और अभी ऐसी मजीद वीडियोस जो हैं वो अनफॉर्चुनेट
अनफॉर्चुनेट, मैं बार बार कह रहा हूं कानून हाथ में ना लें, और बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेकंड टियर लीडरशिप है उसे मंजर आम पर आना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसे मैदान में आकर बहुत सी चीजों को, लोगों को एक डायरेक्शन देनी होगी। पुरमन तरीके से एहतजाज करें अपने लीडर के लिए, बिल्कुल एक पुरमन हक है, मेरा हक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपका हक राइट टू प्रोटेस्ट है, बट प्लीज अपने इस कॉज को आपने नुकसान नहीं पहुंचाना, अपने इस इनिशिएटिव को आपने नुकसान नहीं पहुंचाना। इमरान खान का जो एक कॉज है, इमरान खान की जो एक सोच है कि पुरमन रहना है, अपनी तरीके से चीजों को लेकर चलना है, उस चीज को आपने नुकसान नहीं पहुंचाना। और ये इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त मैं समझता हूं ये बहुत परेशान कुन वीडियोस हैं, और ये वीडियोस इतनी अलार्मिंग है कि आप लिटरली अंदाजा नहीं कर सकते। एक और क्लिप देखें कि मतलब आप इतने बड़े सीनियर अफसरान के घरों पर लोग जा रहे हैं और वहां पर क्या हो रहा है, मनाजिर क्या है इस वक्त, विजुअल्स क्या है, हैव अ लुक। खान हाउस डिक्लेयर कर चुके हैं, ये खान हाउस है, ये आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान खान हाउस। ये विजुअल्स आपने नाज़रीन कराम देखे, और ये विजुअल्स क्या वाज़े कर रहे हैं, क्या क्लियर कर रहे हैं, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। कैंट मुल्तान जो है वहां पर पीटीआई ऑफिशियल ने ये लिखा है कि ऑन अब्बास जो है सेनेटर ऑन अब्बास वो अवाम को लीड कर रहे हैं कोर कमांडर हाउस की जानिब। हसान नियाजी इमरान खान साहब के भांजे, उन्होंने कहा कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे कोर कमांडर हाउस चौक, लेकिन मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल वो जो एक सर्टन जो एक लाइन होती है वो लाइन से आगे अपना प्रोटेस्ट जरूर बिल्कुल करें, ये आपका राइट है, ये राइट आपसे कोई नहीं ले सकता, कोई अबव दी लॉ नहीं है। इमरान खान साहब अगर अबव दी लॉ नहीं है, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया तो कोई भी अबव दी लॉ नहीं है, बिल्कुल ठीक बात होगी, लेकिन वो जो एक फाइन लाइन है, आप सामने प्रोटेस्ट करें, अपनी डेमोन्स्ट्रेशन दें, लेकिन ऑब्वियसली ये जो जवान भी खड़े हैं ये भी बड़ी मुश्किल पोजिशन में है। लेट मी टेल यू ये जो अफसरान फौजी और ये सारे पुलिस वाले ये सब लोग, और इस वक्त पुलिस आगे से कुछ नहीं कर पा रही, पाए पंजाब के अंदर दफा 144 नाफिज करके रेंजर्स तलब कर लिए गए, लेकिन क्या होगा उससे, इफ पीपल हैव एंटर्ड द प्लेसेस जो हसास तरीन हैं, मतलब आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये सूरत हाल कितनी संगीन है। चीन के जो वजीर खारजा आए हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी ना कि अपने मुल्क में पोलिटिकल स्टेबिलिटी लाओ, ये स्टेटमेंट जो है 1971 में एक दफा पहले उन्होंने दी थी सर, ये दूसरी मरतबा चाइना ने दिया है। 71 में क्या हुआ था ये आपको पता है, खुदारा 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 हाथ जोड़ के तमाम फैसला साजों से मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को बचा लें, पाकिस्तान के उन इदारों को बचा लें जो पाकिस्तान के लिए जरूरी हैं, जो आपकी मेरी बका के लिए जरूरी हैं। और ये बहुत अलार्मिंग डेवलपमेंट्स है, मतलब आई एम स्पीचलेस नाउ। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह निगबान, पाकिस्तान जिंदा।